अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मम्मीनी किचन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है रबड़ी, दूध वाली रबड़ी। कैसे तैयार होती है, बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है, उसकी रेसिपी जो है मैं आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो है आपने पूरा देखना है। तो चलिए जी, आप चलते हैं अपने किचन में और रबड़ी तैयार करते हैं। कि हैं हम अपने किचन में और रबड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। जो है मैंने यहाँ पे ली है ब्रेड्स, दो अदद ब्रेड्स के जो है छोटे छोटे से मैंने इसको चॉप कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ली है चीनी और यहाँ पर मैंने ली है दो अदद इलायचियाँ और एक जग जो है मैंने यहाँ पर लिया है दूध। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं ड्राई फ्रूट्स और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर। इसकी जगह जो है आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी, आप बनाना स्टार्ट करते हैं। आग लगा ली है और अब इस पे रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में सबसे पहले ऐड करेंगे दूध। कढ़ाई में जो है दूध मैंने डाल लिया है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी दो अदद इलायचियाँ। दूध को उबाल आने तक अच्छे से पकाते रहना है ताकि अच्छे से जो है ये पक जाए। उबाल आना शुरू हो चुके हैं तो अब इसमें ऐड करेंगे ये ब्रेड्स जो कि मैंने छोटे छोटे से चॉप कर ली थी। इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है और हिलाते हुए इसे पका लेना है। ब्रेड अच्छे से जो है पक चुकी है। अब कढ़ाई पर ढक्कन दे के रख देते हैं और काफ़ी देर तक जो है इसे पका लेते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाए इसमें। और तब तक हम तैयार करते हैं चीनी वाला कैरीमोल। रखेंगे एक पैन और इसमें ऐड करेंगे ये चीनी। चीनी को हल्की आंच पर जो है इसमें मेल्ट कर लेना है। चीनी जो है काफ़ी मेल्ट हो चुकी है, इसे थोड़ा सा और करना है कि अच्छे से मेल्ट हो जाए। जो है काफ़ी मेल्ट हो चुकी है, अब इसे उतार लेते हैं। मैंने लिया है दूध, उसमें मैं ऐड करूँगी ये कॉर्नफ्लोर। इसकी जगह जो है आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको इसमें अच्छे से जो है मिक्स कर लेते हैं। इस दूध को जो है इसमें डाल देंगे और अच्छे से जो है मिक्स कर लेते हैं। जो है हम ये इसमें ऐड करेंगे ये मेल्ट हुई चीनी जो कि मैंने पहले से मेल्ट कर ली थी। इसको अच्छे से जो है इसमें मिक्स कर लेना है ताकि इसका जो अच्छा सा जो है कलर आ जाए। जो है अच्छा सा इसका आ चुका है और इसमें ऐड करेंगे ये लास्ट पर जो है मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। लास्ट में इसमें ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट्स। थोड़ी देर तक और पका लेते हैं, ढक्कन देके रख देते हैं ताकि अच्छे से पक जाए। काफ़ी देर हो चुकी है, रबड़ी जो है अब तैयार हो चुकी होगी। तो अब इसे जो है हम डिश आउट कर लेते हैं। ज़बरदस्त दूध की रबड़ी तैयार है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। तो इसी तरह जो है आप घर पर तैयार करें रबड़ी को, आप गुलाब जामुन के साथ, जलेबी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और बताइएगा कि हमारी रबड़ी कैसी तैयार हुई है। ज़बरदस्त दूध की रबड़ी तैयार है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को कीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।